तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मलाई से 2 मिनट में हम मक्खन कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बिना मिक्सी, बिना मशीन। ना ही हम इसमें दही डालेंगे, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी आपको, जिससे आपको ना तो ज़्यादा बर्तन बिगाड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कोई झंझट लगेगा, ना ही टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इस तरह से अगर आप मक्खन निकालेंगे फिर तो बहुत कम समय में आप मक्खन निकाल लेंगे और बिल्कुल मार्केट जैसा मक्खन ही निकलेगा इसमें से। तो ये मैंने मलाई को 1 घंटा पहले निकाल लिया था फ्रिज से, तो गर्मियों का टाइम है, अगर हम 1 घंटा पहले अगर निकाल लेते हैं तो देखिएगा कितना घी वैसे ही बाहर आ गया है इसमें। ना ही हमने कोई इसमें कोई दही वगैरह डाला है, ना कुछ, बिना दही डाले ही ये पूरा घी बाहर आ गया है। तो यहाँ पर ये पूरी मलाई मैंने ये कढ़ाई में डाल दी है, तो बस हम इसी कढ़ाई में मक्खन निकाल के बस इसी कढ़ाई में हम गरम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा बर्तन भी बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसी कढ़ाई में आपको मक्खन निकालना दिखाऊंगी। तो ये मैंने कढ़ाई में पूरी मलाई डाल दी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच लेंगे, तो हमारा जो ये दाल चावल खाने वाला छोटा सा चम्मच रहता है ना, बस यही चम्मच, इसी चम्मच से हम बहुत ही इजी तरीके से मक्खन निकाल सकते हैं। तो बस अच्छे से हम पहले फेंट लेंगे मलाई को। फेंटने से क्या होगा फ्रेंड्स कि अच्छे से एकदम मलाई पूरी अच्छे से फूल जाएगी, इससे मक्खन एकदम स्मूथ निकलेगा। तो हम अच्छे से फेंट लेते हैं मलाई को। और अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें हम एकदम ठंडा पानी डालेंगे, जो फ्रिज का पानी, फ्रीजर का पानी रहता है ना पिंटू, वो एकदम फ्रिज का ठंडा एकदम चिल्ड पानी वो डालेंगे। तो जैसे हम इसमें ठंडा पानी डालते हैं ना पिंटू, वैसे ही एकदम मक्खन निकल जाता है बाहर। तो थोड़ी देर हम इसे फेंटेंगे पहले, ताकि ये जो मलाई है एकदम से फूल जाए। हम जैसे जैसे फेंटेंगे तो देखेंगे कि पूरी मलाई जो अभी इतनी से दिख रही है, ये करीबन आधी कढ़ाई भर जाती है, इससे बहुत ही फूल जाती है ये मलाई। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स एक काम और कर सकते हैं कि जो आइस के क्यूब भी आप इसमें डाल सकते हैं, 2-4 क्यूब डाल दीजिएगा आप आइस के, तो उससे भी बस 1 मिनट या 2 मिनट में मक्खन पूरा मलाई से बाहर हो जाता है। देख सकते हैं आप मलाई कितनी सारी फूल गई है हमारी ये। आप देख पा रहे हैं कि कितनी मलाई फूल गई, कितनी फ्लफी हो गई है। तो यहाँ पर मैं और थोड़ा ठंडा पानी डालूँगी, तो करीबन मैंने 1 गिलास पानी इसमें डाला है। तो पानी डालना, पानी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ कि इसके बाद में जो बटर मिल्क निकलेगा हमारा, उससे हम या तो कढ़ी वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर इससे हम पनीर भी निकाल सकते हैं। तो बस 2 मिनट फेंटूंगी इसको मैं, 2 मिनट में पूरा का पूरा मक्खन हाथ में आ जाएगा, ये देखिएगा। सिर्फ 2 मिनट हुए हैं मुझे इसको फेंटते हुए, वो 2 मिनट में पूरा मक्खन निकल गया है, आप देख सकते हो। ना ही हमें किसी मिक्सर की ज़रूरत पड़ी, ना मशीन की ज़रूरत पड़ी, ना ही कोई ज़्यादा बर्तन हमने ख़राब करें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच लगा है, और 1 ही चम्मच से कितनी आसानी से पूरा मक्खन हमारा ये निकल गया है, देख सकते हैं आप, पूरा मक्खन निकल गया है। तो हम एक साइड कर लेते हैं मक्खन को, और ये जो बटर मिल्क है जिसे छाछ बोलते हैं, इसे हम निकाल के अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी कितना कम समय लगा है मक्खन निकालने में, ना ही हमें कोई बहुत देर तक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी है। सारा मक्खन हम निकाल लेते हैं कढ़ाई से, और इसी कढ़ाई में हम घी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये सारा मक्खन हम हटा लेते हैं, पर ये जो छाछ है जैसे बटर मिल्क है, इसे हम एक डब्बे में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये जो बटर मिल्क है, इससे आप पनीर बना सकते हो, या फिर
अब इस तरह से जैसे हमने इसमें ये देखिएगा मक्खन पूरा निकल गया है, और ये है हमारा बटर मिल्क। इससे आप कढ़ी में भी यूज़ कर सकते हो, इसका कढ़ी बना सकते हो, या फिर इसके आप पनीर निकाल सकते हो। बस इसे गरम कर लीजिएगा, एक कढ़ाई में डाल के गरम कर लीजिएगा, गैस पे रख करके 2-3 मिनट आप रखेंगे तो पूरा पनीर अलग हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आप इसका पनीर भी बना सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।